अभी हम लोग क्या खोल रहे हैं? डाइट कोक। हम क्यों पीते हैं डाइट कोक? डाइट के लिए। ठीक है गाइस, ये खाना खाने के बाद डाइट कोक हो रहा है चंडीगढ़ के अंदर। कैसा लग रहा है चंडीगढ़ आपको? बहुत बढ़िया। तो क्या कहना चाहेंगे आप चंडीगढ़ जो आने की प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उनके लिए आपका क्या खबर है? ये तो बढ़िया है, घूमने की जगह है, साफ सुथरी है। थोड़ा जोर से बोलिए ताकि हमारे व्यूअर्स को सुने। बढ़िया जगह है घूमने के लिए, बहुत बढ़िया है। हाँ, थोड़ी नज़दीक झील है हमारे इधर से। हाँ, कोई बात नहीं, किस दिन जाएंगे आपको दिखाएंगे। हाँ, ये डाइट कोक पिया जा रहा है। नो शुगर, नो कैलोरीज। क्या कैलोरीज चली जाएंगी हमारी, है कि इसके अंदर नहीं है? इसके अंदर नहीं है। चलो टेस्ट करते हैं। फिक्का है, क्रिस्प है ना, क्रंच। एसिड। दोस्तों हम बता दें कि यहाँ पर अभी हम चंडीगढ़ पे हैं और हमारे बहुत जल्दी आपको थाई चाय पीने को आपको मिलेगा इस चैनल में, और मेरे लगभग सभी चैनल पे आपको थाई चाय मिलेगा और गुड मॉर्निंग टी भी मिलेगा। और स्पेशली थाई टी बनाने के लिए हमने शेफ को बहुत दूर से यहाँ पर चंडीगढ़ लेके आए हैं, और आप लोग हमारे चैनल को देखते होंगे। यदि नहीं देखते हैं, पहली बार देख रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए शेयर कीजिए, और आखिरी में बेल बटन को ज़रूर दबाना ताकि अगला आने वाला वीडियो आपके मोबाइल तक पहुंच सके। यहाँ काम ज़रूर करना, और हम लोगों को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। एक आज़ादी दुनिया है और आज़ादी यहाँ पर कुछ पलों में छीनी जाएगी। आज़ादी नहीं, किसी की भी नहीं छीननी चाहिए मेरे दोस्तों। हमें आज़ाद हुए कई साल, कितने साल हो गए? बहुत साल हो गए। अभी भी आज़ादी महसूस यहाँ पर आके हम करते हैं, और 76 साल के आज़ादी आज़ाद हुए 76 साल हो चुके हैं, और हमें बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभार हम किसी का नाम नहीं लेंगे और किसी के विरुद्ध यहाँ पर यह वीडियो नहीं बनाया जा रहा है, एक मनोरंजन के तौर पर बनाया जा रहा है, और अपनी जो डेली लाइफ का जो ब्लॉग है उसको कर रहे हैं। और सेफ पवन ब्लॉग में इस वीडियो को ज़रूर देखोगे आप, और सेफ पवन ब्लॉग में ही इसको डाला जाएगा। खाना पच गया। तभी यह काम लगता है डाइट को। हाँ, खाना पचाने के लिए एक्शन तुरंत कर दिया है, इसका जो एक्शन है बहुत फास्ट है। आ रहा है डगार पूरा आ रहा है। है कुछ, ये कोका कोला वालों का ही है ना? तीन चार तरह के बनाते हैं। हाँ, पूरा लाल वाला भी था, दूसरा वो थोड़ा महंगा वाला था, वो नहीं लिया, मेरे पास आज पैसा नहीं था वो लेने के लिए। गाइस, कितने का? पैसा नहीं था। 25 का है ये, 25 का है, 25 का भी आता है वो। और उसमें वो लाल कलर था, उसमें नो शुगर लिखा हुआ था। वो नो शुगर भी होता है, एक शुगर भी होता है, एक ओनली वो भी होता है, क्या बोल रहे हैं। एक तो यही होगा, तीन चार तरह के होते हैं, मुझे भी इतना याद नहीं, बस तीन तरह के याद है। तो देख लो दोस्तों, ये चंडीगढ़ का नज़ारा है। अभी कहाँ, ये कुछ बोलो सेफ, आप इसको पकड़ो, कुछ बोलो। मैं, मेरा हाथ थक गया, चाहेंगे अभी। बहुत टायर्ड हो चुके हैं, बहुत टायर्ड। सुबह 8 बजे उठ के अब दिन रात काम कर रहे हैं। जगह का नाम नहीं बताना है, ठीक है, वीडियो में, ठीक है। हम कहाँ पे, चंडीगढ़ का लोकेशन नहीं बताएंगे आपको।
खा गया तो क्या हो जाएगा? नहीं 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 बता रहा, ये मेरा असूल है, ठीक है? सही है, ये अल्गोरिथम है, ठीक है? मेरा यूट्यूब का नहीं, मेरा अल्गोरिथम है, ठीक है? बता दो, क्या पता वायरल हो जाए। नहीं नहीं, हम वायरल नहीं होना चाहते गाइस, ज़्यादा ही वायरल हो जाए। तो लगभग 180 ml हमने पी लिया है, 180 ml में बोले तो कितना ग्राम होगा? 180 ml बोले तो कितना होगा? कितना होगा जब 180 ml कंफ्यूज कर देते हो, कितना ग्राम होगा? हाँ, ग्राम कम ही होगा। कितना? 4-5 ग्राम कम होगा। 180 ग्राम से कम ml है ना, तो 175 ग्राम हो सकता है। एक एक किलो में ये कुछ 900 कुछ ग्राम, वो 900 कुछ ml होता है, 900 कुछ। मेरे मोबाइल से वीडियो बन रहा है, ठीक है, ब्लॉग शूट हो रही है। यदि नहीं होती तो मैं गूगल कर लेता, तुरंत मुझे पता चल जाती। और ये आपको बताना होगा कितने ग्राम होता है, कमेंट करके जरूर बताना होगा। पूरा कंफर्म नहीं बताऊंगा, बस 900 कुछ ml होता है, ये बताना कितने होता है। इसमें 180 ml है, तो अभी कितने ग्राम है आपको ग्राम में बताना है। अभी मेरा मोबाइल से ब्लॉग शूट हो रहा है। हमारे किचन वालों की नॉलेज ऐसे होनी चाहिए, बहुत जरूरी है ऐसी चीज़ों में नॉलेज। हम जब खाना देते हैं, एक पोर्शन में कितने ग्राम जाना चाहिए? 250, 300, 400, 500 400-500 चलो बहुत ज़्यादा हो गया, 250-300 से ऊपर नहीं जाता। मतलब बोले तो वेजिटेबल, अगर हम वेजिटेबल को जो बना के देते हैं, सोते सोते बनाते हैं, तो सिर्फ ओनली 250 या 300 ग्राम होना चाहिए, उससे ज़्यादा वेजिटेबल नहीं होना चाहिए एक पोर्शन में। बाकी और रेस्टोरेंट का अलग अलग तरीका है। 250-300 ग्राम ज़्यादा होता है दोस्तों, आपको बता दूं मैं। देखने में ऐसे लगता है कि हाँ, बोलने में ऐसा लगता है 250 कितना है, अगर बट उसमें डालते हैं वेजिटेबल कई कई तरह के। बाकी अपने अपने अलग अलग रेस्टोरेंट का अपना अपना रूल है, कितने कितने ग्राम डाल सकते हैं, ग्राम हो गया, उनका अपना है। बट जो हमारा खुद का है वो वही 250 कुछ ग्राम डालते हैं, 250 या 300 के बीच में डालते हैं, उससे कम नहीं। चलो गाइस, तो इतना ही था आज के लिए। अब नहीं, नहीं, ब्लॉग करते रहो। अच्छा, और भी करना शेफ? चलो ये ऐसे तो फेंक नहीं सकते, ये चंडीगढ़ से। इसीलिए तो मैं क्यों उठाऊं, लुधियाना तो है नहीं। ये देखो, ये स्वच्छ भारत चंडीगढ़ में चल रहा है, स्वच्छ भारत के अंदर डब्बे के अंदर डाल दिया है। और जब हम आएंगे तो कल सुबह आपको पार्क दिखाएंगे, और लाइव आएंगे जरूर आएंगे। ये तो कितने बजे लाइव आएंगे फिर? पक्का कंफर्म नहीं, जितने बजे आँख खुल गई उतने बजे लाइव आ जाएंगे। नहीं नहीं, आँखें खुलने की बात नहीं, हम तो देखते हैं, आएंगे लाइव, आपको बताएंगे। कल 7:30 बजे हम लाइव आ सकते हैं, चलो सुबह निकलेंगे जल्दी। चलो ठीक है जी, लक्ष्य थोड़ा हम अपनी बातचीत करें अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय। चलो बाय करते हैं इस एपिसोड को, अभी इस वीडियो को अभी यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। दूसरे वीडियो में मिलते हैं, हम तो बिना काम के ही, कोई काम नहीं है, ऐसे ही करते रहते। सही है, सही है, सही है। चलो ठीक है, बाय बाय बाय।